मिर्जापुर का क्रेज आजकल इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा छाया हुआ है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। आमतौर पर किसी भी फिल्म या वेब सीरीज में कुछ कैरेक्टर्स ही लोकप्रिय होते हैं, लेकिन मिर्जापुर एक ऐसी वेब सीरीज रही है जिसमें हर एक कैरेक्टर का अपना ही एक अलग फैन बेस रहा है। कालीन भैया से लेकर गुड्डू भैया और मकबूल से लेकर ललित तक हर एक कैरेक्टर को लोगों ने बेहद पसंद किया है। सोशल मीडिया पर लोग कहीं मीम्स बनाकर तो कहीं शॉर्ट क्लिप्स शेयर करके अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे मुन्ना भैया के राइट हैंड ललित के रोल निभाने वाले एक्टर ब्रह्मा मिश्रा के बारे में, कैसा रहा उनका फिल्मी सफर, कहां से पूरी की उन्होंने अपनी एजुकेशन और उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें। ब्रह्मा मिश्रा का पूरा नाम ब्रह्मा स्वरूप मिश्रा है। ब्रह्मा मिश्रा ने भोपाल के एक्सीलेंस कॉलेज से पढ़ाई की है। ब्रह्मा बताते हैं कि जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ एक टीचर डॉक्टर विजय बहादुर जी थे, उन्हें मैं बाबा बुलाता था। वर्ष 2003 में मैंने उनसे कहा था कि मुझे थिएटर करना है। अलख नंदन जी उनके दोस्त थे तो उन्होंने अलख जी से बात की। अलख ने कहा कि कल से इन्हें भेज दो। अभिनेता ब्रह्मा की एक्टिंग की नींव थिएटर के जरिए ही रखी गई और उनके पहले रंग गुरु अलख नंदन जी हैं। उन्होंने कई प्ले में ऑन स्टेज और बैक स्टेज उनके साथ काम किया। वर्ष 2006 में ब्रह्मा का सिलेक्शन फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में हो गया और वो वहाँ पर चले गए। फिल्म इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करने के बाद साल 2009 में उन्होंने अपने एक सीनियर अमित दत्ता की फिल्म नैन सुख में काम किया। ये एक म्यूजिकल फिल्म थी। मुंबई में उन्हें कभी पैसों की तंगी नहीं आई। उनके पिताजी और बड़े भाई ने उन्हें हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट किया। उन्हीं की प्रेरणा के चलते ब्रह्मा ने मुंबई तक का सफर तय किया। ब्रह्मा बताते हैं कि उन्हें जब फिल्मों से वक्त मिलता है तो वो थिएटर करते हैं। मुंबई में मनोज पाहवा और सीमा पाहवा के कोपल ग्रुप में उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट की सीनियर शशि भूषण जी के ग्रुप के साथ जुड़े रहे। ब्रह्मा को फर्स्ट बॉलीवुड ब्रेक वर्ष 2011 की फिल्म चोर चोर सुपर चोर से मिला। ब्रह्मा बताते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर राजेश की फिल्म इंस्टीट्यूट में उनके सीनियर थे। देखिए, दरअसल जब ये राइटर हैं जो पुनीत जी, तो उन्होंने मेरे को कहीं ना कहीं देख रखा था और वो जब शूट के दौरान हम लोगों की मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर आपके लिए हमने पहले ही सोच कर लिखा था, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये मेरे को मिला था। साल 2015 में आई फिल्म माजी में ब्रह्मा को काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने पहाड़ी आदमी भूरा नाम के रोल को प्ले किया था। इसके बाद फिल्म वीर, दंगल, बद्री की दुल्हनिया, सुपर 30 और केसरी जैसी बड़ी फिल्मों में देखा गया। फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बारे में ब्रह्मा बताते हैं कि उन्हें फर्स्ट ऑडिशन के बाद कॉल आया कि डायरेक्टर खुद ऑडिशन लेंगे। ब्रह्मा वहां गया तो उन्होंने देखा शशांक खेतान खुद ही कैमरा लेकर खड़े थे। वो बोले, प्रकाश बाबू हो जाओ शुरू। फिल्म में ब्रह्मा का किरदार प्रकाश बाबू का था तो उनके इतना बोलते ही उन्हें उठक बैठक करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो उनके कैरेक्टर का पहला सीन था। ये देख कर शशांक हंसे और बोले, ये तो फुल ऑन कैरेक्टर में है। बॉलीवुड मूवी केसरी में खुदा दाद का किरदार निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा ने पत्रिका प्लस से हुई बातचीत में कहा कि जब उन्होंने केसरी फिल्म के लिए ऑडिशन दिया तो फिल्म से जुड़े लोगों ने कहा कि उनकी शक्ल और कद काठी दाव से काफी हद तक मिलती जुलती है, जिसके चलते उन्हें ये फिल्म ऑफर कर दी गई। कास्टिंग डायरेक्टर को भी उनका ऑडिशन बेहद पसंद आया था, जिसके चलते उन्हें ये फिल्म ऑफर की गई। वाकई में उनकी कद काठी को देखकर लोग उन्हें कॉमेडी रोल ही ऑफर करते हैं, लेकिन केसरी ने उन्हें उस इमेज को ब्रेक करने का मौका दिया। केसरी जो रिलीज हुई थी वो होली के एक दिन पहले हुई थी और मैं होली नहीं खेलता हूँ, तो मैं घर पर था, मैंने सोचा कि आज केसरी देखने जाता हूँ, पब्लिक का एक रिएक्शन देखता हूँ। तो जैसे जैसे वो कैरेक्टर कोई सीक्वेंस चल रहा था और किलिंग सीक्वेंस जो चल रहा था, तो जब मेरी बारी आई तो खासतौर से 80% उनमें ओल्ड कपल्स वगैरह, मतलब एजेड लोग थे, और जब मेरी बारी आई तो एक जो महिला थी काफ़ी एजेड थी, उनको बोले, अरे यार ये तो पानी पिला रहा है, इतना सोना मुंडा है और हथियार भी नहीं चलाता है, फिर उसको क्यों मारो, और रोने लगी वो। तो फिर मेरे को भी लगा उस टाइम पर कि क्या हुआ, और आंसू मेरे भी आए और फिर मैंने कहा, माता जी मैं जिंदा हूँ। तो उन्होंने जो गले लगाए तो वो एक अलग ही अप्रिसिएशन होता है एक प्रकार का, तो काफी अच्छा लगा था। ब्रह्मा के पिताजी रिटायर्ड बैंक कर्मी और माँ हाउसवाइफ हैं। इनके अलावा उनके एक बड़े भाई एडवोकेट संदीप मिश्रा हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ब्रह्मा की फैमिली फिलहाल राजधानी भोपाल के कोलार एरिया में रहते हैं। साल 2006 में उन्होंने भोपाल छोड़ दिया था। ब्रह्मा ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं साल
1985 में आई फिल्म मैसी साहिब में जिस तरह का किरदार रघुवीर यादव जी ने निभाया है वैसा ही किरदार निभाऊं। कोई भी एक्टर बड़ा या छोटा हो, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि उसकी एक्टिंग स्किल्स कैसी हैं और लोगों के बीच उनकी कितनी लोकप्रियता है। इंडस्ट्री में आजकल बहुत ही भेदभाव देखा जा रहा है। ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया वेबसाइट विकिपीडिया ने अभी तक ब्रह्मा मिश्रा के बारे में कोई भी आर्टिकल नहीं बनाया है, जो कि एक दुख की बात है। ऑनलाइन मूवी डेटाबेस वेबसाइट IMDB ने ब्रह्मा मिश्रा के बारे में कुछ डिटेल्स अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखी हैं, जिसमें कुछ ज्यादा डिटेल में उन्होंने नहीं बताया। पर हमारी कोशिश है कि हर एक एक्टर जो मेहनत करता है और लोगों के बीच लोकप्रिय है, उसके बारे में हम आपको सारी जानकारी दे। ब्रह्मा मिश्रा ने कहा, स्थानीय कलाकारों में टैलेंट की कमी नहीं है, उन्हें अभिनय के लिए सही मौका नहीं मिल रहा है। फिल्म निर्माताओं को चाहिए कि ऐसे कलाकारों को काम दे। अगर छत्तीसगढ़ में कोई मूवी बने तो छत्तीसगढ़ के कलाकारों को फिल्म में काम दे, इससे फिल्म में और जान आएगी। किसी राज्य के कल्चर को मुंबई का हर कलाकार नहीं पकड़ सकता। उन्होंने अब तक अपने फिल्मी करियर में टोटल 8 फिल्में की हैं और 3 वेब सीरीज में काम कर चुके हैं, जिसमें मिर्जापुर सीजन 1, मिर्जापुर सीजन 2 और 2015 में आया डिजिटल शो नॉट फिट में। ब्रह्मा मिश्रा सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट पे तब आए जब 2018 में बनी वेब सीरीज मिर्जापुर में उन्हें काम करने का मौका मिला। उन्हें ललित नाम की कैरेक्टर का रोल मिला और उन्हें इस रोल को बेहतरीन तरीके से निभाया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उसी तरह मिर्जापुर सीजन 2 में भी उन्होंने अपनी काबिलियत को बेहतरीन तरीके से दर्शाया। जिस तरह की वो एक्टिंग करते हैं, उस तरह के एक्टर्स मिल पाना या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनको देखना लोगों को बेहद पसंद आया है। मिर्जापुर वेब सीरीज में ललित मुन्ना भैया के राइट हैंड होते हैं, लेकिन सीजन 2 में वो चीजें होती हैं जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता। मिर्जापुर सीजन 2 एपिसोड 3 खरगोश में मुन्ना भैया के राइट हैंड यानी ललित को कालीन भैया के राइट हैंड मकबूल गला दबाकर मार देते हैं। क्या वजह रही होगी कि ललित इतने सालों से मुन्ना भैया के लिए काम करता रहा ईमानदारी के साथ और फिर भी उसे मुन्ना भैया के सामने ही मार दिया जाता है? ये तो आप खुद ही पता कर सकते हैं अमेज़न प्राइम पर इस वेब सीरीज को देखकर। हमें उम्मीद है ब्रह्मा मिश्रा अपनी लोकप्रियता और दमदार एक्टिंग की वजह से ऐसी ही बड़ी फिल्में और वेब सीरीज में देखने को मिलेंगे।